जयपुर में तो स्थिति होगी ना भाई, 20,000 से ऊपर बुलाए, 1,000-1,200 आए, वो भी उनका भाषण सुनने को तैयार नहीं, ठंडा कोको कोला पी रहे थे साइडों में, उनकी कुर्सियां 99% खाली पड़ी थी, जो मंच पे थे वही थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हमने तो प्रशासन को कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना, अब वो प्रशासन से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे लोगों के लिए कैसा पानी छोड़ा। हमने तो केवल इतना ही कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना, तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे लोग आएंगे और अच्छा पानी छोड़ेंगे। ये तो जनता जानती है, जनता जवाब देगी। इनके चार के श्रीमुख से बोला हुआ कोई ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता। ये तो सुबह से शाम आलाकमान की नज़र में अपनी छवि बनाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने 10 गारंटी हमारी सरकार की थी, उसमें से एक भी योजना का कोई कमी खामी बताई क्या? एक योजना के ऊपर बोलने के लिए शब्द नहीं है। और इन योजनाओं से और सरकार की गुड गवर्नेंस और अच्छी फ्लेक्सिब योजनाओं से प्रभावित होकर के जनता इनके न तो जनाक्रोश में आई, न आज आई, न आगे आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके जनता नहीं आएगी, इनके केवल तेजस्वी स्पीच होंगे, वही होंगे मंचों से। 200 मिनी मुख्यमंत्री हो गए सर कांग्रेस ऐसा। भाई देखो, सरकार जब होती है तो हर कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसके खून पसीने से वो पार्टी सत्ता में आती है। तो ये तो 200 तो कम बता रहे हैं। हमारे तो जो हर कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो सरकार बनाने में जिसका सहयोग था, वो सब अपने आप को मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और सब समझते हैं, और समझना भी चाहिए। इनके यहाँ 2-4 को ही समझो, बाकी किसी को मत समझो। ये अरुण सिंह जी को कौन सुनता है यार, कोई सीरियस लेता है क्या अरुण सिंह जी को? अरुण सिंह जी ने कभी कोई कमाल किया है क्या? यहाँ 3-4 साल से ये प्रभारी हैं, ये इनको तो एक नहीं कर पाए। ये वसुंधरा जी, इनको एक जाजम पे बैठा दें तो मैं कहूँगा कि ठीक है, विपक्ष तो कम से कम एक जगह तो है। हम तो एक बार इस 5 साल में विपक्ष को एक जगह देखना चाहते हैं। सत्ता में तो आने नहीं है, तो कम से कम विपक्ष में रहते हुए एक जगह तो बैठ जाएं। राजस्थान में सीपी जोशी ने बयान दिया है, सीपी जोशी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को हिंदू ही नहीं मानता। अब इस बयान को आप किस तरीके से? सीपी जोशी कौन सा? ये प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, बीजेपी वाले से। अब वो तो उसके बयान के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, आप बताओ, आप बता दो, आप बता दो कि इनको केवल दो ही चीजें याद है, हिंदू मुस्लिम, और ऐसा करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होंगे। ये जिस तरीके की नोटंकी कर रहे हैं ना, इससे जनता भाई साहब नाराज है। जनता आक्रोशित है कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या, कौन जानता है इनको, कौन सुनना चाहता है इनको, आप बताइए ना। 20,000 का दावा किया और आए 1,000-1,200, तो आप देखिए लें इनकी क्या हालत है, कितनी पतली हालत है इनकी। तो ये तो इस तरीके के ही उजूल बुजूल बयानबाजी करेंगे और छपने के लिए करते हैं बेचारे। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोलेगा, तभी तो छपेगा, नहीं तो भाषण में तो उनमें तर्क होता नहीं है, दम होता नहीं है, भाषण जानते भी नहीं है। सीपी जोशी जी का कोई भाषण नहीं होता है, और एक दो जुमला ऐसा राजेंद्र जी राठौड़ छोड़ देते हैं जिससे वो तो छप जाते हैं और वो बेचारे रह जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का।